भावना जी आपका तो नाम ही भावना है <laughs> इसका क्या मतलब है भावना का मतलब भाव फीलिंग्स इमोशंस इमोशंस जैसे लव सैडनेस हैप्पीनेस एंग्जायटी डिसगस्ट फियर ये हम सभी के अंदर है बिकॉज़ ह्यूमन बीइंग इज एन इमोशनल बीइंग लेकिन कब है जब सुनने में आता है कि ये व्यक्ति बहुत इमोशनल है uh, जब वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोने लगता है तब हम अक्सर कहते हैं कि ये व्यक्ति इमोशनल हो रहा है इसलिए आज मेंटल हेल्थ में हमारा विषय है भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखें इमोशंस को कैसे रेगुलेट करें और इस विषय पर बातचीत के लिए डी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए डॉक्टर शेखावत का नमस्कार प्रोफेसर साइकेट्री डॉक्टर आर एम एन अस्पताल नई दिल्ली से सो डॉक्टर शेखावत सबसे पहले तो कुछ रोजमर्रा के उदाहरण दीजिए चाहे गुजरे जमाने के चाहे आज के जहाँ पर इमोशंस हमारी डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं देखिए सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो है वो हम महाभारत काल से दे सकते हैं उस समय भी इतना मुश्किल था भावनाओं को नियंत्रण में रखना अच्छा। जब युधिष्ठ धूत क्रिया क्रीड़ा जो कर रहे थे उस समय वो भावनाओं में आकर ही उन्होंने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया जो कि बहुत बड़ा कारण बना महाभारत के लिए और जब महाभारत युद्ध स्टार्ट हुआ तो अर्जुन भावनाओं में आकर ही वो अपने गांडी उनके हाथ से फिसल रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको उनकी जो भावनाएं कि मैं अपने ही परिवार के लोगों से लड़ने जा रहा हूं तो ये भावनाओं पे नियंत्रण करना इसलिए जरूरी है कि हम उदाहरण से उदाहरण ले दें अगर रोजमर्रा का उदाहरण देखेंगे तो अगर मान लो कोई सुबह-सुबह ऑफिस सुबह सुबह जा रहा है और वो अपनी घड़ी ढूंढ रहा है उसको घड़ी नहीं मिली घड़ी नहीं मिलते उसको सबसे पहले उदासी आएगी कि ये ये क्यों नहीं मिल रही है फिर विचार आएंगे कि मैं कितना कितनी गलतियां करता हूं मैं सामान ठीक से नहीं रख सकता हूं मैं कैसा बेवकूफ हूं मैं ऐसा ऐसा विचार भावना आई फिर विचार आया विचार आते ही उसके मन में वो जो भावना है और गहरी हो जाती है और ज्यादा वो उदास महसूस करने लगता है जब वो और उदास महसूस करने लगता है तो उसका जो ऑफिस पे तो जाना ही है ऑफिस जाएगा उसकी वहाँ पे प्रोडक्टिविटी वहाँ उसका काम वो उसका इफेक्ट होगा काम जब इफेक्ट होगा तो उसकी जो भावना है और खराब हो जाएगी उसके विचार और खराब हो जाएंगे और वहाँ पे ऑफिस में अगर आ, काम अच्छा नहीं किया तो बॉस ने कुछ कह दिया तो उस उसको और शेम वाली जी। वाली फीलिंग मतलब ये कह सकते हैं कि भावनाओं में बहना एक बड़ी समस्या हो सकती है पर जैसे कि हमारा बचपन जिस माहौल में बीतता है जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट होता है क्या वो सब हमारी भावनाओं पर असर करता है और हम ज़्यादा भावुक हो जाते हैं? ये असर तो करता है, क्योंकि जो बचपन में बच्चा जब अप्रिंगिंग हो रही होती है बड़ा हो रहा होता है वो देख रहा होता है कि मेरे परिवार में लोग परिस्थितियों को कैसे हैंडल करते हैं इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं ये सब चीजें वो देखकर और उसी हिसाब से अपने जीवन में जब उसको परिस्थितियां आती है उसमें वो उसी हिसाब से फिर उनको रिएक्ट करता है उनको लगता है कि घर में अगर कुछ बहुत जल्दी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं गुस्से के साथ रिएक्शन करते हैं हैंडल करते हैं तो वो भी सोचता है कि गुस्सा एक तरीका है परेशानियों को हैंडल करने का इमोशन okay. तो वो उसका भी इमोशन जो है वो इमोशनल रेगुलेशन जो है नहीं होता और वो भी डिस्रेगुलेट हो जाए तो डॉक्टर साहब जैसे गुस्सा एंगर एक इमोशन है फियर डर एक इमोशन है जेलसी, जलन एक इमोशन है तो क्या ये नेगेटिव इमोशंस हैं क्योंकि हम एक्सपीरियंस तो करते है, कैसे हैं कैसे हैं। हैंडल करें हैं। 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 देखिए ऐसा है ना कि इमोशंस हमारे लिए बहुत जरूरी है अच्छा इमोशन वो है जो हमारा बेसिक इमोशंस कहते हैं जिनको फियर है एंगर है जॉय है सरप्राइज मतलब आश्चर्य चकित होना खुशी होना

दिक्कत कब होती है जब वो इतने ज्यादा ओवरवेलमिंग जिसको कहते हैं कि भावनाओं में बह गया वो ऐसे बहने लगते हैं कि उसकी वजह से उसको जो अपने रोजमर्रा के काम है वो नहीं कर पाता तो डॉक्टर साहब मान लीजिए अच्छा। आने वाले कुछ महीनों में मेरे दसवीं बारहवीं के एग्जाम है और समाज प्रेशर तो काफी डालता है अब अगर मैं एंक, एंक्शस हूँ घबरा रहा हूँ क्या करूँ देखिए जब भी कोई इमोशन आता है कोई भी भावना आती है उसके हमें एनालिसिस करना होता है एनालिसिस कैसे है कि कौन सी घटना है जैसे एग्ज़ाम एक घटना है एग्ज़ाम घटना है उससे मुझे क्या महसूस हो रहा है मुझे घबराहट हो रही है घबराहट हो रही है घबराहट हो, हो रही है तो साथ में मुझे उसके साथ क्या विचार आ रहे हैं विचार आ रहे हैं कि मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, उसके बाद दोनों आने की वजह से फिर उसकी एंगजाइटी और बढ़ जाती है घबरा फीलिंग्स इमोशंस और बढ़ जाते हैं और वो भावनाओं में बहकर इतना ज़्यादा वो भावनाएं आ जाती है कि इतना ज़्यादा एंगशियस हो जाता है कि अब वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है अब इसको करने की जरूरत क्या होती है कि जब सबसे पहले वो भावना आई कि मुझे घबराहट हो रही है मैं थोड़ा एंशियस हूँ क्या क्यों हो रहा हूँ ऐसा क्यों लग रहा है ऐसा तो सोचेगा कि विचार क्या है विचार है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ कहीं मुझे जो मार्क्स पहले आए थे उतने आएंगे कि नहीं आएंगे तो उसको उसको उसी टाइम पे उसको जो फीलिंग है एग्जाम को सुनकर सभी घबराहट हो जाएगी और घबराहट होने का मतलब है कि वो घबराहट बहुत परमानेंट नहीं है वो टेम्पररी है वो कुछ देर में जाएगी जैसे भावनाएं एक वेव की तरह आती है और वो चली जाती है अच्छा। जो विचार है कि मैं फेल नहीं हो जाऊं कहीं

एक साथ दोनों को हम हैंडल करते हैं क्योंकि इमोशंस जो हैं वो जो भावनाएं हैं वो हमारे विचारों से जुड़ी है और विचारों के साथ वो व्यवहार में जुड़ी है बोथ आर फंक्शंस बोथ थॉट एंड इमोशंस आर फंक्शंस ऑफ ब्रेन हां फंक्शंस ऑफ ब्रेन और वो आपस में कनेक्टेड है तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए है। हैं, है। <laughs> है, है, रोता बहुत जल्दी है और वो बहुत ज्यादा हो रहा है तो कितना घातक साबित हो सकता है उसके लिए आगे जीवन में बहुत घातक हो जाता है बहुत बार हम लोग देखते हैं लोग आते हैं वो भावनाओं में बहकर खुद को नुकसान कर लेते हैं या दूसरे को नुकसान कर लेते हैं खुद को अपनी रिस्क भी कट करते हैं कुछ बहुत सारे लोग और कुछ ऐसे लोग हैं जो उसमें अपना सामान फेंक देते हैं आपने सुना होगा मोबाइल फेंक दिया टूट गया तो इससे क्या होगा कि जो रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच में वो रिलेशनशिप खराब हो जाता है अगर सामान फेंक दिया है तो दूसरा फोन तो लाना ही होगा उसे तो वो उसकी फिर वो आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं कि फिर मुझे नया फोन कैसे लाऊंगा ये कैसे तो भावनाओं में बहकर और ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं तो फिर एक कंट्रोल कैसे करें ये तो एक मेन मुद्दा है कंट्रोल कैसे करें वो नहीं हो पाता कंट्रोल करने के लिए जैसे अमित साहब ने बताया कि माइंडफुलनेस है माइंडफुलनेस क्या तरीका है कि उसमें आदमी कुछ टाइम के लिए दस मिनट के लिए पाँच मिनट के लिए वो बैठता है और अपने इमोशंस को एक्सपीरियंस करता है अपने okay. उस घटना को कि क्या उस टाइम पे मुझे क्या घटना हुई थी किस तरह के इमोशंस आए मुझे आ, आ, एंगर आया uh -huh. गुस्सा आया उसके बाद मैंने क्या किया उस टाइम पे गुस्सा जब आया था मेरे दिमाग में थॉट्स क्या चल रहे थे थॉट्स ये चल रहे थे कि क्या सामने वाले ने मुझे बेवकूफ समझा जो आप बहुत बार देखते होंगे कि एक आदमी गाड़ी चला रहा है दूसरे ने उसको ओवरटेक किया या तीन क्यू में लोग खड़े हैं पांच लोग खड़े हैं और चौथा आदमी तो सबसे पहली लाइन बोलते क्या तुमने है मुझे बेवकूफ समझा है तो उस टाइम पे जो जो एंगर या कोई भी जो इमोशन है उसके साथ में जो थॉट आया उन दोनों को उसने एनालाइज किया इन दोनों को मैं आया और उसके बाद माइंडफुलनेस में क्या होता है कि ब्रीदिंग ब्रीदिंग पे फोकस करता है जी तो डॉक्टर साहब एक तो माइंडफुलनेस एक जो है आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करें हमारे पास एक मिनट शेष है एक और सोल्यूशन आप बता रहे थे कि हम लोग कई एक बार एक बिलीफ सिस्टम रखते हैं उसमें कुछ मिसबिलीफ भी होते हैं तो चलते चलते कौन से ऐसे मिसबिलीफ हैं जिसे दूर करें उससे अपने आप इमोशंस रेगुलेट होंगे जैसे एक सबसे बड़ा बिलीफ है कि आई एम इनकॉम्पेंट मैं सक्षम नहीं हूँ मैं बहुत आई एम ईडियट और मैं वॉज आई एम ए फेल्योर ये बहुत कॉमन इमोशंस है लोग मुझे मेरा मेरे को ध्यान नहीं रखते हैं hmm. लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं रिजेक्शन की मैं परफेक्शनिस्ट बनना चाहता हूँ हाँ मैं परफेक्ट हूँ <laughs> होना चाहता हूँ इनकी जगह अगर हम दूसरे थाट्स रखें कि गलतियाँ जिंदगी का हिस्सा है फेल hmm. होना भी जरूरी है हमें असफल होना भी हमारी जिंदगी हर समस्या का हल नहीं होता कुछ समस्याएं एक्सेप्ट करनी एकसेट होती है जैसे बहुत थोड़ा इमोशनल हूँ भावनात्मक हूँ और मुझे उसके साथ ही चीजों को देखना है कि इन परिस्थितियों में मैं ज्यादा इमोशनल होता हूँ इन परिस्थितियों में जो थॉट्स आते हैं उनको और इन परिस्थितियों को मुझे इस तरह से डॉक्टर है, तो है।, है कि आपसे चर्चा जारी रखें लेकिन हम इमोशनल नहीं होंगे आपका <laughs> धन्यवाद देंगे और जैसा डॉक्टर शेखावत ने कहा कि ट्रिगर्स को पहचानिए चाहे वो एक्सटर्नल है इंटरनल है एक्सेप्ट करिए और अगर आप इमोशनल ज्यादा हैं तो निर्णय लेते वक्त किसी और व्यक्ति सलाह करें जो ज्यादा इमोशनल नहीं है आज कार्यक्रम में आके हमें इमोशनल रेगुलेशन पर सजग करने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी थैंक यू वेरी मच थैंक यू